उत्तराखंड के दिनेशपुर में लगातार 35 वर्षों से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज 132वां जन्मोत्सव उत्तराखंड के एकमात्र प्रमुख श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सत्संग मंदिर दिनेशपुर में आज प्रातः पूरा नगर भक्ति रस में सरोवर में हो गया। इससे पूर्व बंगला समुदाय के पुरुष और महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों से सज धज कर ठाकुर की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली। परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 132वां जन्म महोत्सव आंचलिक स्तर पर यह उत्सव मनाया जा रहा है दिनेशपुर सत्संग बिहार के प्रांगण में। और ये उत्सव पिछले 25 साल से भी ज्यादा इस संवर्धन में मनाया जा रहा है और ये उत्सव का महत्व है। परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो जन्म उत्सव के द्वारा परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो भावधारा है, वो जो धर्म के बारे में वो कहते हैं, धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते, धर्म में जीवन दीप्त रहता है, धर्म जन एक होता है। आज जो चारों ओर धर्म को लेकर जो आपस में धर्मांतरण के बात चल रहा है, परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस बार इस विश्व शताब्दी में एक ऐसे महान पुरुष है, पुरुषोत्तम है, ये राम कृष्ण बुद्ध जीशु मोहम्मद श्री कृष्ण चैतन्य श्री राम कृष्ण, इसके बाद से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आगमन हुआ है। ये बंगाल में आए थे, वहाँ के उसके बाद 1946 सेकंड सितंबर को उन्होंने देवघर में आए थे। आज वहाँ पर उसके बाद देवघर में आज परम पूज्य पूज्यपाद आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री दादा जो वर्तमान संघ आचार्य देव है और आज वर्तमान संघ को जो बाबाईदा पूजनीय बाबाईदा जो आज उनके ही परम पुत्र जो के द्वारा आज लाखों संख्या में युवक जो अब बेघर हो रहा थे, आज लाखों संख्या के युवकों एक दिशा मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अभी दुबई में प्रोग्राम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम है, न्यूयॉर्क में प्रोग्राम है। अभी पीछे आप देख सकते हैं हमारे जो फोटो एग्जीबिशन चला हुआ है, फोटो एग्जीबिशन में किस तरह से चारों ओर हिंदुस्तान में हमारा परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भाव। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग कितने की संख्या में यहाँ पे भीड़ होती है और शुरुआत में किस किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जाता है? यहाँ कम से कम नहीं तो 25-30 हजार से ऊपर लोग यहाँ पर समागम होता है और ये बरेली, कानपुर, गोरखपुर, उसके बाद नैनीताल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और आसपास पीलीभीत, इतने चारों ओर ये उत्सव यह हो रहा है, चारों ओर से लोग यहाँ पर समागम हो रहा है। और इसमें सुबह हुआ था भजन कीर्तन, उसके बाद एक बहुत बड़ा एक जुलूस निकाला थे शोभा यात्रा से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पूजन, उसके बाद अभी युवा सम्मेलन चल रहा है। युवाओं का जो वर्तमान समस्या है, युवाओं के बारे में दिशा दिया गया, इसके बाद होगा मातृ सम्मेलन, माताओं के बारे में समस्याओं के बारे में यहाँ डिस्कशन है, उसके बाद साधारण सभा होगा जो देवघर हमारे धाम है, देवघर धाम से आचार्य देव के आशीर्वाद से यहाँ पर डॉक्टर कुमार मधुप जी आए हैं और उनके साथ दो गायक कलाकार भी आए हैं। डॉक्टर मधुप जी जो आई स्पेशलिस्ट हैं और ठाकुर जी के बचपन से ठाकुर जी के करीब, उनके विचारों ठाकुर जी के बारे में जो दिशा है उन्होंने बोलेंगे, उनके बारे में लाखों के जो जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं वो लोग सुनेंगे और अपने जीवन को देखेंगे। ठीक।